पापुआ न्यू गिनी में भयंकर हादसा हुआ है। यहाँ पर भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सरकार ने बताया कि उसने राहत कार्यों के लिए औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी। सरकार का आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के आंकड़ों से करीब तिगुना है। संयुक्त राष्ट्र के लोकल कोऑर्डिनेटर को रविवार को लिखे गए एक पत्र में दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक ने कहा कि भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए और बड़ा विनाश हुआ। भूस्खलन के बाद हताहत हुए लोगों की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से अलग अलग है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों ने पीड़ितों की संख्या कैसे गिनी। ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन स्थल पर मदद के लिए विमान और अन्य उपकरण भेजने की सोमवार को तैयारी की। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई बारिश के बाद ये आशंका पैदा हो गई कि जिस कई टन मलबे में सैकड़ों ग्रामीण दबे हैं वह खतरनाक रूप से अस्थिर हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा कि उनके अधिकारी शुक्रवार से पापुआ न्यू गिनी में अपने समक्षकों के साथ बात कर रहे। देश की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत में शुक्रवार को भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में मारे गए 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण लोगों की मौत और तबाही होने पर मंगलवार को दुख जताया और कहा कि भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन से लोगों की मौत और तबाही से बहुत दुखी हूँ। पीड़ितों परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। भारत हर संभव सहयोग मुहैया कराने के लिए तैयार है। पापुआ न्यू गिनी सरकार के अनुसार दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र में भूस्खलन से 2000 से अधिक लोगों के जिंदा दफन होने की आशंका है। यह हादसा शुक्रवार तड़के यम्बली गांव में हुआ जब एक पर्वत का हिस्सा ढह गया। भूस्खलन के समय लोग सो रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में हुई जनहानि पर सोमवार को शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में इस देश के साथ एकजुटता से खड़ा है। पापुआ न्यू गिनी की मीडिया में आई खबरों के अनुसार 24 मई को पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि हालिया भूस्खलन के बाद पापुआ न्यू गिनी में जान माल के नुकसान से बहुत दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं सरकार और लोगों के साथ है। भारत इस कठिन समय में अपने दोस्त के साथ एकजुटता से खड़ा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।